सलमान खान और एटली साथ में फिल्म बनाने वाले हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है। ये फिल्म टू हीरो बिग बजट फिल्म होगी। फिल्म में पहले सलमान और रणवीर सिंह को कास्ट करने की चर्चा थी, लेकिन अब इस फिल्म से रणवीर का नाम कट चुका है। एटली फिल्म में सलमान खान के साथ साउथ के बड़े एक्टर को कास्ट करना चाहते है। फिलहाल इस फिल्म पर काम चल रहा है। एटली ने स्क्रीन प्ले के लिए 1 महीने का टाइम मांगा है। उसके बाद वो सलमान और साउथ के एक्टर को फिल्म का नरेशन देंगे। अगर दोनों एक्टर्स को ये कहानी पसंद आई तो फिल्म पर आगे काम चालू होगा। सनी देओल ने बॉर्डर 2 को अनाउंस करने के बाद अब और एक फिल्म को अनाउंस किया है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी। इस फिल्म के लिए सनी देओल ने साउथ के बड़े डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी से हाथ मिलाया है, जिन्होंने इससे पहले वीर सिम्हा रेड्डी और क्रैक जैसी फिल्में बनाई थी। इस फिल्म को पुष्पा बनाने वाले मैत्री फिल्म्स बनाएंगे। सनी देओल के साथ फिल्म में सयामी खेर दिखने की भी चर्चा है। गोस्ट राइडर फिल्म के बारे में सब जानते ही होंगे। अब इस फिल्म का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है और इस फिल्म में रायन गॉसलिंग को कास्ट करने के रूमर्स है। इसके पहले गोस्ट राइडर में निकोलस केज दिखे थे और वही इस रोल के लिए परफेक्ट लगते हैं। रायन गॉसलिंग के गोस्ट राइडर वाले रोल के रूमर्स के बाद फैंस भी इस खबर से नाखुश है, क्योंकि निकोलस केज को ही गोस्ट राइडर के रोल में देखना लोग पसंद करते हैं। 3 बार ऑस्कर विजेता और हॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग की नेक्स्ट फिल्म आने वाली है। ये फिल्म भी उनके बाकी फिल्मों की तरह रहस्यमय होगी। इस फिल्म में फेमस एक्ट्रेस एमिली ब्लंट भी होंगी। एमिली ब्लंट इसके पहले ओपनहाइमर और जंगल क्रूज जैसी पॉपुलर फिल्मों में दिखी थी। स्टीवन स्पिलबर्ग की यह फिल्म 15 मई 2026 को रिलीज होगी। चंदू चैंपियन के सक्सेस के बाद कबीर खान और एक बड़ी और हटके फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म पोस्ट एपोकलिप्टिक की कहानी होगी, यानी प्रलय आने के बाद की दुनिया। इस टॉपिक पर हॉलीवुड में कई फिल्म्स है, पर बॉलीवुड में ऐसे टॉपिक पर फिल्में देखने को नहीं मिलती। रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म में ऋतिक रोशन लीड रोल में दिख सकते हैं। इसके लिए कबीर खान और ऋतिक रोशन में कई मीटिंग्स हुई है। इस फिल्म के बारे में अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। तो चलिए आज रुकते हैं यही पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे फिल्म अपडेट के साथ।